नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है फिर से एक बार जॉस्टे में। तो दोस्तों, आज फिर से हम बात करने वाले हैं बिहार विधानसभा ग्रुप डी की, जो कि 2019 की है। फिर से इंटरव्यू डेट, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि आ चुका है और इसकी 11 सितंबर से इंटरव्यू स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, और इस सीरीज़ की ये जो है 24वीं क्लास है। अगर आपने पिछली वाली सारी वीडियो नहीं देखी है तो आप डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ, आप वहाँ से देख सकते हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पे लेके आया हूँ, जो आपके वहाँ पे इंटरव्यू से रिलेटेड पूछे जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए आज की सबसे पहली क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन है, बिहार में महिला साक्षरता का जो है वो प्रतिशत कितना है। जी हाँ फ्रेंड्स, बताना है आपको बिहार में जो है वह महिला साक्षरता का जो है वह प्रतिशत कितना है। तो 33% जो है वह बिहार में टोटल महिलाओं का साक्षरता दर है। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपको ध्यान में रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का प्रथम वैज्ञानिक केंद्र कहाँ अवस्थित है। जी हाँ फ्रेंड्स, बिहार का जो पहला वैज्ञानिक केंद्र कहाँ पे बनाया गया था, तो आपको बताना है। तो इसकी राइट आंसर हो जाएगी पटना। जी हाँ फ्रेंड्स, पटना में जो है वह ये बनाया गया है, और आप लोगों को पता होगा कि इसका नाम जो है वह श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र है, जो कि बिहार के प्रथम जो है वह मुख्यमंत्री के नाम पे ये जो है रखा गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त मौर्य का महल जो है किस चीज़ का बना हुआ है। जी हाँ फ्रेंड्स, आपको बताना है पाटलिपुत्र में जो है वह चंद्रगुप्त मौर्य का जो है महल है वह किस चीज़ों से बनाया गया था, वह किस चीज़ का बना हुआ है, तो ये आपको बताना है। तो इसकी राइट आंसर हो जाएगी लकड़ी का। जी हाँ फ्रेंड्स, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल जो है वह लकड़ियों का बना हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में बहावी आंदोलन किस वर्ष हुआ था। जी हाँ फ्रेंड्स, आपको बताना है बिहार में जो है बहावी आंदोलन जो है वह किस वर्ष हुआ था, तो इसकी राइट आंसर हो जाएगी वर्ष 1828 ईस्वी में। जी हाँ फ्रेंड्स, बहावी आंदोलन जो है वर्ष 1828 ईस्वी में जो है इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का प्रथम नृत्य भवन जो है वह कौन सा है। जी हाँ फ्रेंड्स, आपको बताना है बिहार में जो है प्रथम नृत्य भवन जो है वह कौन सा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपको बताना है। इसकी राइट आंसर हो जाएगी भारत कला मंदिर के नाम से जो है वह बिहार का प्रथम नृत्य भवन है, जो कि पटना में स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसका नाम भारतीय कला मंदिर, जो कि नृत्य भवन है, बिहार का पहला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में कौन सी महिला बिहार की लक्ष्मीबाई के नाम से प्रसिद्ध है। जी हाँ फ्रेंड्स, आपको बताना है बिहार में कौन सी महिला हैं जो बिहार की जो है लक्ष्मीबाई के नाम से प्रसिद्ध हैं। तो इसकी राइट आंसर हो जाएगी फ्रेंड्स रामस्वरूप देवी। जी हाँ फ्रेंड्स, रामस्वरूप देवी जो है वह बिहार के हैं, और इन्हें जो है बिहार का लक्ष्मीबाई के नाम से भी जाना जाता है, रामस्वरूप देवी जी को। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय के जो है वह वैभव किसके हाथों नष्ट हुआ था। वैभव कहने का मतलब इसकी सुंदरता जो है, वह दृढ़ता जो है वह किसके हाथों नष्ट हुआ था, किसने इसे नष्ट करवाया था, तो इसकी राइट आंसर अगर वो बता नहीं है, फिर से मैं क्वेश्चन बोल दे रहा हूँ। नालंदा विश्वविद्यालय का जो है वह वैभव किसी के हाथों जो है नष्ट हुआ था, तो इसकी राइट आंसर हो जाएगी बख्तियार खिलजी। जी हाँ फ्रेंड्स, बख्तियार खिलजी के द्वारा जो है वह नालंदा विश्वविद्यालय का वैभव जो है खराब किया गया था। इन्होंने ही जो है, यानी कि बख्तियार खिलजी ने जो है, उसने अपने सेनाओं से जो है वह इस को जो है तोड़वा दिया गया था, उसमें आग लगवा दी गई थी नालंदा विश्वविद्यालय में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार में किस वर्ष प्रथम चीनी मिल लगाई गई थी। जी हाँ फ्रेंड्स, आपको बताना है बिहार में जो है सबसे पहला चीनी मिल जो है वह कितने वर्ष ईस्वी में लगाई गई थी, तो इसकी राइट आंसर हो जाएगी 1904 ईस्वी में। जी हाँ फ्रेंड्स, 1904 ईस्वी में जो है वह बिहार में प्रथम चीनी मिल जो है वह लगाई गई थी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में सर्वाधिक लोकप्रिय सुल्तान कौन रहा है। जी हाँ फ्रेंड्स, आपको बताना है बिहार में जो है सर्वाधिक जो है लोकप्रिय जो शासक थे, राजा, वो कौन रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपको बताना है। कई सारे बिहार में राजाएं रहे हैं, लेकिन उन सब में जो है सबसे प्रचलित और विख्यात जो है सुल्तान कौन माने जाते हैं, वहाँ के लोकप्रिय हैं, तो शेरशाह सूरी। जी हाँ फ्रेंड्स, शेरशाह सूरी जो है ये बिहार के बहुत ही लोकप्रिय सुल्तान माने जाते हैं। ठीक है फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटना को प्रांतीय राजधानी किसने बनाया। जी हाँ फ्रेंड्स, आपको बताना है पटना को प्रांतीय राजधानी किसने बनाया है, तो इसकी राइट आंसर हो जाएगी शेरशाह सूरी ने जो है वह इसे पटना को जो है वह प्रांतीय राजधानी के रूप में घोषित किया था। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गुप्त वंश का शासक ने जो है बिहार में नालंदा बिहार की जो है वो स्थापना की थी। जी हाँ फ्रेंड्स, आपको बताना है ये जो है गुप्त वंश के कौन से शासक थे जिन्होंने बिहार में जो है वो नालंदा बिहार का जो है स्थापना किया था। तो इसकी राइट आंसर है हो जाएगा कुमार प्रथम। ये जो है गुप्त वंश के शासक हैं और इन्होंने ही जो है वह बिहार में जो है नालंदा बिहार की स्थापना की थी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपको ध्यान में रखनी है। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आपको वहाँ पे पूछ लिए जा सकते हैं, इसलिए मैं इस तरह का क्वेश्चन आपके लिए लेके आता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बिहार राज्य के प्रथम न्यायाधीश कौन थे। जी हाँ फ्रेंड्स, आपको बताना है बिहार राज्य के जो है वह प्रथम न्यायाधीश कौन थे। तो इसकी राइट आंसर हो जाएगी सर एडवर्ड्स देस चैम्प्स चामियार। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो है थोड़ी सी डिफिकल्ट नेम है, बट आप जो है किसी तरह से याद रखें क्योंकि वहाँ पे जो है आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में किसान सभा की स्थापना किसने की थी। जी हाँ फ्रेंड्स, आपको बताना है बिहार में किसान सभा की स्थापना जो है वो किसके द्वारा करवाई गई थी। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसकी राइट आंसर हो जाएगी सहजानंद सरस्वती के द्वारा। जी हाँ फ्रेंड्स, बिहार में जो है वह किसान सभा का स्थापना जो है किनके द्वारा किया गया था फ्रेंड्स, तो सहजानंद सरस्वती के द्वारा जो है वह ये किया गया था। तो ये आपको याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस स्थान में जो है वह गुरु पर्व आयोजित किया जाता है। जी फ्रेंड्स, आपको बताना है बिहार में जो है वह कौन सा जगह है, कौन सा जिला है जिस स्थान पर जो है वह गुरु पर्व जो है आयोजित किया जाता है प्रत्येक वर्ष। तो इसकी राइट आंसर हो जाएगी पटना। ठीक है फ्रेंड्स, पटना में जो है वह गुरु पर्व मनाया जाता है। और क्यों मनाया जाता है फ्रेंड्स, तो ये जो है गुरु गोविंद सिंह जी के जो है जयंती के अवसर पे ये मनाया जाता है। ठीक है, और आप लोगों को पता होगा कि गुरु गोविंद सिंह का जो है जन्म वह पटना में ही हुआ था, इसलिए वहाँ पे उनका जो है वह जो गुरुद्वारा उनके नाम पे वह बनाया गया। ठीक है फ्रेंड्स, और गुरु पर्व भी जो है वह पटना में मनाया जाता है। तो ये सारी फैक्ट आपको याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में किस स्थान पर महात्मा बुद्ध का जो है प्रतिमा स्थापित किया गया है। जी फ्रेंड्स, आपको बताना है बिहार में किस स्थान पर महात्मा बुद्ध का जो है वह प्रतिमा स्थापित किया गया है। तो इसकी राइट आंसर हो जाएगी गया। जी फ्रेंड्स, बोध गया में जो है वह बिहार में ही है बोध गया, और उसी स्थान पे जो है वह महात्मा बुद्ध का जो है प्रतिमा स्थापित की गई है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपको याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का प्रथम अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र कौन सा है। जी हाँ फ्रेंड्स, मैंने ये क्वेश्चन एक बार और जो है आप लोगों को बताया था, शायद वो जो है दूसरे वाले वीडियो में था जो कि दूसरी सीरीज़ की वीडियो थी। ठीक है फ्रेंड्स, उसी में मैंने बताया था, और फिर से मैं इसी क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूँ, बिहार का जो प्रथम अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र जो है वो कौन सा था। तो इसकी राइट आंसर हो जाएगी बिहार हेराल्ड। ठीक है फ्रेंड्स, बिहार हेराल्ड के नाम से जो है वह बिहार के जो है प्रथम अंग्रेजी जो दैनिक समाचार है उसे प्रकाशित किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में औसत वर्षा कितनी होती है। जी हाँ फ्रेंड्स, आपको बताना है बिहार में जो है औसतन वह वर्षा कितनी होती है प्रत्येक वर्ष। तो इसकी राइट आंसर हो जाएगी 12.5 मिमी। ठीक है, तो ये आपको याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है। जी हाँ फ्रेंड्स, आपको बताना है बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला जो है वो कौन सा है। तो इसकी राइट आंसर हो जाएगी गोपालगंज। जी हाँ फ्रेंड्स, गोपालगंज जो है वह बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है। और फ्रेंड्स, गोपालगंज से रिलेटेड एक और क्वेश्चन आपको बता दूँ, ये जो है यहाँ पे यानी कि गोपालगंज में सर्वाधिक वर्षा होती है। ठीक है फ्रेंड्स, आपसे वहाँ पे अगर पूछा जाए कि सर्वाधिक वर्षा जो है बिहार के किस जिले में होता है, तो आप कह सकते हैं गोपालगंज। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपको ध्यान में रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है। जी हाँ फ्रेंड्स, आपको बताना है बिहार में जो है वह न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है। तो इसकी राइट आंसर हो जाएगी मुंगेर। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोगों को पता चल गया कि न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, तो मुंगेर। और पूछा गया था ऊपर क्वेश्चन था जो अधिकतम जो है वह लिंगानुपात वाला जो है वह जिला कौन सा था, तो उसमें हो जाएगा किशनगंज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2001 से जो है 2011 के दशक में वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर जो है वाला जिला कौन सा है। जी हाँ फ्रेंड्स, पूछा जा रहा है आपसे कि 2001 से जो है 2011 के दशक में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला जो है जहाँ पे सबसे ज़्यादा
2001 से 2011 तक में किस जिले में सर्वाधिक जो है जनसंख्या वृद्धि हुई है, तो इसकी राइट आंसर हो जाएगी मधेपुरा में। जी हाँ फ्रेंड्स, मधेपुरा में जो है वो सर्वाधिक जनसंख्या में वृद्धि हुई है 2001 से 2011 तक। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार के विधान परिषद के जो है सभापति कौन है। जी हाँ फ्रेंड्स, आपको बताना है बिहार विधानसभा परिषद कौन है अभी वर्तमान में बिहार के, तो इसकी राइट आंसर हो जाएगी अवधेश नारायण सिंह। जी हाँ फ्रेंड्स, अवधेश नारायण सिंह जी जो है वह बिहार के जो है बिहार विधान परिषद के सभापति है। ठीक है, तो ये आपको याद रखनी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है। जी हाँ फ्रेंड्स, आपको बताना है सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है बिहार में, तो इसकी राइट आंसर हो जाएगी शिवहर। शिवहर जो है वह सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला है बिहार का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है राजकीय चिन्ह बताना है फ्रेंड्स। जी हाँ फ्रेंड्स, आपको बिहार का जो है बिहार राज्य का वह राजकीय चिन्ह बताना है, तो इसकी राइट आंसर हो जाएगी बोधि वृक्ष। जी हाँ फ्रेंड्स, राजकीय चिन्ह जो है वह बोधि वृक्ष है बिहार का। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है राजकीय मछली। जी हाँ फ्रेंड्स, बिहार राज्य की जो है वह राजकीय मछली कौन सी है, तो इसकी राइट आंसर क्या होगी फ्रेंड्स, इसकी राइट आंसर हो जाएगी मांगुर। मांगुर जो है वह बिहार राज्य की राजकीय मछली है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार का राजकीय वृक्ष कौन सा है। जी हाँ फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे पूछा जा रहा है बिहार को जो है वह राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है, तो इसकी राइट आंसर हो जाएगी पीपल। पीपल जो है वह बिहार राज्य का जो है राजकीय वृक्ष है, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार लोक सेवा आयोग के जो है अध्यक्ष जो है वह कौन थे, यह आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पे बिहार लोक सेवा आयोग के जो है अध्यक्ष कौन थे, कौन है अभी, तो इसकी राइट आंसर हो जाएगी के सी शाह। जी हाँ फ्रेंड्स, बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष जो वर्तमान में वह के सी शाह हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सारी मुख्य इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थी, आपको याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बिहार राज्य की जो है महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है, आपसे पूछा जा रहा है महिला आयोग, बिहार में जो महिला आयोग है उसकी अध्यक्ष कौन है वर्तमान में, तो इसकी राइट आंसर हो जाएगी मंजू कुमारी गुड्डू कुमारी। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपको ध्यान में रखनी है, ये जो मंजू कुमारी गुड्डू कुमारी है ये जो है महिला आयोग के अध्यक्ष हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुख्य चुनाव आयुक्त जो है बिहार के कौन है। जी हाँ फ्रेंड्स, बिहार राज्य के जो है वो मुख्य चुनाव आयुक्त जो है वह अजय नारायण नायक जी हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान एकदम से रखनी है। आप चाहे तो इसे जो है अपने नोटबुक में नोट भी कर सकते हैं और फिर से देख सकते हैं इसे। चलिए फ्रेंड्स, आज की ये जो है लास्ट क्वेश्चन थी। आई होप कि ये वीडियो आप लोग को पसंद आई, पसंद आई तो इसे वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं फिर अगली वाली वीडियो में।